अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। सदाक अल्लाहु खालिकुनल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल करीम। इस अजीम दरसगाह दे अंदर शाने कुरान अजमते कुरान दे फुरेरे लहरारे ने और अजमते कुरान दियाँ गिरना माशाल्लाह दूर दूर तक फैर रही ने। दुआ फरमाओ अल्लाह करीम कुरान दा ते साडा इस तरह का ताल्लुक कायम कर देवे, इत्थे रह के भी कुरान साडे नाल आखो इंशाल्लाह, कबर विच जाके भी कुरान साडे नाल। बड़े तुसा मेहमान वेख लै नहीं, इधर मेरे वाल वेखो हुण ध्यान करो, मेहमान कोई आता है कोई जाता है, महफल का रंग वही है, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। हुण तुसा आप मेहमान बनना है तो बनना किदा है, रब दे मेहमान बनना है। दिल करदा जे ना, गल बहुत लंबी नहीं करनी, मैं इंशाल्लाह थोड़े वक्त गुफ्तगू अपनी मुकम्मल करांगा ताकि दुआ वास्ते को टाइम बच जाए। और ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, अगर मौका मिल गया, अगर अल्लाह ने टाइम दे दिता है, सारा साल तुसी जलसे सियासी मजहबी सकाफती पता नहीं केड़े केड़े प्रोग्रामां शामिल हुंदे हो, ऐस प्रोग्राम दे अंदर तुसी अल्लाह दे घर अल्लाह दे मेहमान बन के आए हो, ते अल्लाह अपने मेहमानां नाल की सलूक करदा है कारी साहब। आ वेखो ना, कारी साहब नू वक्त पिया है, कदी किसे नू वेलकम कर रहे ने, कदी किसे नू अलविदा कर रहे ने। तन हौसला इन्हां दा इशा तो लैके मेहमानां दी आमद इस्तकबाल, कारी साहब अपने मेहमानों की इन्नी कदर करते हैं, तुहाडे कोल मेहमान चला जाए तुसी अखीर कर देंदे हो, ते आसमान तो आवाज़ आती है जड़ा मेरे घर आ जाए तुहानू ते पता ही नहीं मैं उहदी किन्नी कु कदर करना वा। उची आखो सुभान अल्लाह, इस टाइम ते भी जे सुभान अल्लाह ना ना आखी ते फिर कोई टाइम नहीं सानू मिलना। अल्लाह करीम आसमाने दुनिया ते तशरीफ फरमा ने, उलमा तशरीफ फरमा ने, अल्लाह दी जात आसमाने दुनिया ते तशरीफ फरमा ने,
और अल्लाह की कसम खा के कहना, अल्लाह करीम फरमा रहे ने यह गल ध्यान नाल नोट करो, अल्लाह करीम आवाज़ दे रहे ने, कोई दुनिया का आलम इस बात की तरदीद नहीं करेगा, अल्लाह करीम इस वेले तुहानू मुखातब करके फरमा रहे ने हल मिम मुस्तरज़िकिन, है कोई रिजक मंगन वाला, हल मिम मुस्तशफ़िन, है कोई बीमार शफा तलब करने वाला, अल्लाह की जात आप बुला रहे ने, आप तुहानू मुखातब कर रहे ने, ते असी अज आखांगे या अल्लाह असी तेरे घर आए हाँ, ते गल किथे साड़ी जा रहेगी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कसम जदों अल्लाह की जात नाल साडा दिली राबता हो गया, साडा कॉन्टैक्ट अल्लाह की जात नाल हो गया, तो फिर इन्ना सुकून दिल नूं आएगा, इन्ना करार आएगा, ये अल्लाह करीम ने फैसला फरमा दिता है, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को। अला बेज़िक्रिल्लाही, रब्बुल आलमीन दा कुरान, अला बेज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, दुनिया वाले हो ताजो तख्त दे अंदर सुकून नहीं, बड़े बड़े अच्छे खाने खाण नाल करार नहीं मिलता, बड़िया बड़िया शानदार सवारियां ते सफर करके सुकून नहीं मिलता, बड़े बड़े आली शानदार बंगलियां दे अंदर रह के जरक बरक लिबास पहन के सुकून नहीं मिलता, सुकून कित्थे मिलता है, अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, दिलानू इत्मीनान मिलेगा ते अल्लाह दे जिक्र दे नाल मिलेगा, सुबहान अल्लाह। छोटी जी मजलस से बहुत लंबी नहीं, लेकिन अल्लाह दी रहमत नाल दिलानू करार मिलेगा, दिलानू सुकून मिलेगा। मैं सोच रहा सा, बड़े बड़े माशाल्लाह अजल खतीब, बड़िया बड़िया तकरीरां लंबियां चौड़ियां, ते मैं एक छोटी जी बात पेश करनी है, हो सकता है मेरे तालिब इलम की वो बात तुहाडे दिल दिमाग के अंदर उतर जाए और अल्लाह मेरी ते तुहाडी निजात का जरिया बना देवे। लोगो इस बात को नोट कर लीजिए, एक तो वक्त की कदर करनी है, ए हुण जिहड़ा वक्त शुरू हो गया है, इहदी असा इंशाला अनकरीब दुआ करनी है, तो दुआ का मंगन का बंदा हक अदा कर देवे, तो अल्लाह करीम फरमाते ने तुसी मंगन का हक अदा कर दिओ, मैं देन दा हक अदा कर देंगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, अल्लाह की कसम सानू मंगन का तरीका ही नहीं। मैं ऐ हुणे ही शेख उपरों आया वा, पंजाब बैंक तो जदों अंदर दाखिल होया ना, तो एक बाबा सर्दियों विच भी गर्मियों विच भी उत्थे खलोता हुंदा मंगन वाला, तो किहदे कोलों मंगदा ओ, तुहाडे कोलों, अल्लाह कोलों नहीं, वो तुहाडे कोलों मंगदा, तुहाडा मंगता है कि इत्थों लंघन वाले मैनू कुछ ना कुछ दे जा सखिया राय खुदा, वो तुहाडे कोलों मंगण वास्ते एक बंदा खलोंदा सारी सारी रात, सर्दी की परवाह नहीं करता, गर्मी की परवाह नहीं करता, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, तुहाडा मंगता बन के खलोंदा है, ते तुहाडा दिल नरम हो जाता है, नरम हुंदा है ना। कई बंदे वो बाबे नूं कुछ ना कुछ दे के गुजरते ने, वेखो बेचारा सर्दी ठिठर रहा है रात, लेकिन मंगन दे विच फर्क नहीं पाता पिया, अपने मंगन का हक अदा करता है। मैं इन्नी गल तुहानू कहनी है, जे उस मंगते नू वेख के तुहाडे दिल नरम हो सकते ने, ते जे असी मंगन का तरीका इख्तियार सही कर लईए, मंगन वाली शक्ल बना लईए, ते मंगते भी किदे बनीए, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, लोगो तुसी सारे अल्लाह दे दर दे फकीर
अल्लाह दे दर दे मंगते अल्लाह कोलों मंगण वाले जदों बन जाओगे अल्लाह गनी है अल्लाह दे खजाने परे ही परे अल्लाह दे खजाने कदी कम नहीं होए अल्लाह दे खजाने कदी घट नहीं होए तुसी सारे साल दियां तकरीरां एक पासे सारे साल दियां कॉन्फ्रेंसां एक पासे अल्लाह दी कसम रमजान दा जिहड़ा एक दरस है अल्लाह करीम ने जिवें ए रातां बरकत वालियां बना दितियां दिन बरकत वाले बना दिते रब्बुल आलमीन ने रमजान दी हर घड़ी जिवें बरकत वाली बना दिती है अल्लाह इस बात ते गवाए रमज़ान दे दरस भी ते रमज़ान दे जुमे भी ते रमज़ान दियां तकरीरां विच भी अल्लाह सारे साल दियां तकरीरां नालों बहुत ही बरकत पा दिंदा है उलमा तशरीफ फरमा ने अल्लाह की कसम एक एक आलम साडा हीरा है और जिस वेले जुमा पढ़ाते ने जुमे की तैयारी करते ने कुरान और सुनत का मुताला करके तो फिर माशाला तौहीद और सुनत दे मोती बखेरते ने अल्लाह अल्लाह आसमाना तो रहमत का नजूल हुंदा है क्योंकि मेरा यह अकीदा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून जिथे अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाए मिंबरों मेहराब ते पढ़ते ने गलियां बाजारों के अंदर कुरान की तिलावत सुनांदे ने रहमतां बरकतां हो जांदियां ने दुआ फरमाओ अल्लाह ऐस रमज़ान मुबारक दे अंदर जिन्नियां असीं उलमाए किराम तो वाज़ो नसीहत वालियां बातां सुनियां जिन्ने खिताबात सुने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सारियां खिताबां विच बरकतां फरमा दे अल्लाह अल्लाह ध्यान नाल गल सुन वाली है नोट फरमाना जरा मैं जड़ी बात कहनी है रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मेरे बंदो तुसी मंगण वाले होवो मैं देन वाला होवां दरमियान विच किसे दी लोड़ व इज़ा साला कई बादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई दादान फल्यस्तजीबुली वल्युमिनु भी लअल्लहुम यरशुदून रब्बुल आलमीन प्यार ते मुहब्बत दे नाल सुबहान अल्लाह अज़्मा आसमाने दुनिया ते तशरीफ फरमाने अल्लाह करीम नेड़े आ जांदे ने अल्लाह करीब आ जांदे ने रब्बुल आलमीन आप कह रहे ने नहनु अक़रबु इलैहि मिन हबलिल वरीद मेरे बंदे मैं शारक तो ही ज़्यादा करीब हाँ जड़ा करीब है उनू पुकारना चाहिए कि दूर वालियां नू पुकारना चाहिए उची बोलो आई ना उनको दिखाया तो बुरा मान गए कहण वाले मंगण वाले ये भी मंगते ने ना मंगण मंगण वालियां च फर्क हुंदा है कई आते ने मैनू फलाने की तफैल दे दे मैनू फलाने दे वसीले नाल दे दे मैनू फलाने दे वसीले नाल दे दे रब्बे जुल जलाल दी कसम खा के कहना हजार मरतबा बैतुल्ला शरीफ दा गुलाब पकड़ के अल्लाह ने दुआ दा मौका नसीब फरमाया जेड़ा दुआ दा लुत्फ ते सुकून बैतुल्ला दा गुलाब पकड़ के बैतुल्ला दे दरवाजे दियां दहलीज़ां दे नाल चिमट के जेड़ा हवा मारन दा लुत्फ हुंदा सुकून मिलदा कायनात दे किसे दरबार ते ओ सुकून मिल सकदा इस वास्ते माल के कायनात ने ऐलान फरमाया वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नमा दाखिरीन मैनू मेरे को मंगन वाले मेरे को मंगन वाले बा मुराद होणगे
मेरे को मंगन वाले इंशाला मुराद मिलेगी। जेडे मेरे दर छड़ के गैरां दे दर ते जाणगे, गैरां नू बुलाणगे, हाय मेरे अल्लाह कहन ते दिल नहीं करदा। मेरे पाकिस्तानी वीरो, मैं गली गली नगर नगर अलहमदुल्ला 35-40 साल तो ये अलहमदुल्ला दावत पेश कर रहा वा। असी लोगो एक दर दे फकीरा, उस दर दे फकीरा, उस जात दे फकीरा जिस जात नू अल्लाह रब्बुल आलमीन कहिंदे ने ते अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमांदे ने। मेरे दर ते आउण वालेओ, मैं टाइम कोई मुकर्रर कीता। सुभान अल्लाह, दुनिया दे दरबारां दे दरवाजे बंद हो गए। और पिछले साल भी तुसां वेख्या दरबारां ते भी ताले लग गए, हाय हाय हाय, दरबारां ते भी ताले लग गए, मजारां ते भी ताले लग गए। एक दरबार खुल्ला ते रब्बुल आलमीन दा दरबार खुल्ला जिथे ताले लग सकदे। अल्लाह दी जात नूं पता है मेरे बंदियां ने चार चुफेरियों जदों जवाब मिल जाना है, किसे मसनूई इलाज ने सुतिया होना है, किसे ने बीमार होना है, किसे मसनूई इलाज ने ताले लगा लेने ने, जदों चार चुफेरियों मेरे बंदे मायूस हो जाएंगे। जब चारों तरफ अंधेरा हो, आसां का दूर किनारा हो और कोई ना खीवन हारा हो, फिर तू ही बेड़ा पार करे रहमान मेरे, रहमान मेरे। लोगों सारे ने दरवाजे बंद कर लै, हाय हाय हाय, सारे ने दरवाजे बंद कर लै। खबरां तुसां भी पढ़िया, मैं भी पढ़िया, सारे ने ताले लगा लै। हुकूमत ने भी कह दिता हुण दरबारां ते नहीं जाना, मजारां ते नहीं जाना, पाबंदी लग चुकी है। आसमान तो आवाज आउंदी है, वाइदा साला कई बादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे बंदे मुशक्कतां नहीं बर्दाश्त करनिया पैणगियां, सफर भी नहीं करने पैणगे। मैनू पुकार लो, मेरे नाल राबता कर लो। अल्लाहु अल्लाह। और वेखो ना जरा अलहमदुल्ला जी कि दर दे फकीर हाँ, अलहमदुल्ला कहो। दरे गैर पर हमेशा तुझको सर झुकाए देखा, दरे गैर पर हमेशा तुझको सर झुकाए देखा, कोई ऐसा दागे सजदा मेरे नाम पर नहीं है। असी अल्लाह दी रहमत दे नाल इस जबीने न्याज नु चुकाया है, माल के कायनात दी बारगाह दे अंदर चुकाया है। अल्लाह ने 8 साल मदीने रहन दियां सआदतां नसीब फरमाइया, रज रज के नबी पाक दे दुरूद ओ सलाम पढ़िया है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना दे अंदर बैठ के पढ़िया है। और रब्बे काबा दी कसम खा के कहना, नबी पाक दी कब्र मुबारक दे बिल्कुल नाल बह के पढ़िया है। अलहमदुल्ला दरूदे पाक भी साडा ईमान है। जेड़ा दरूदे पाक नहीं पढ़ता उदी नमाज भी कबूल नहीं, जेड़ा दरूदे पाक नहीं पढ़ता उदा हज भी कबूल नहीं, जेड़ा दरूदे पाक नहीं पढ़ता उदा कोई अमल भी, हत्ता कि उदी दुआ भी कबूल है। साढ़े ते साढ़े उस्तादा ने, बुजुर्गा ने, बल्कि साढ़े नबी पाक ने, इमामुल अंबिया ने सानू दसिया है, जदों भी दुआ करनी है, जदों भी दुआ करनी है दरूदे पाक पढ़ लिया करो, जल्दी दुआ कबूल होएगी। बाजवा साहब एक परवाना नबी पाक दे कोल आया, आगे कहिंदा या रसूलल्लाह मैं दरूदे पाक बहुत ज्यादा पढ़न का शौकीन हाँ, अपनी दुआ दे अंदर किन्ना कु दरूद पढ़ सकना। कारी साहब अपनी दुआ दे अंदर किन्ना कु दरूद पढ़ सकना। आका फरमांदे ने एक हिस्सा दरूद पढ़ लिया कर, तीन हिस्से दुआ कर लिया कर। अर्ज करदा या रसूलल्लाह होर पढ़न दा शौक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, दरूदे पाक पढ़िया करो, अल्लाह की कसम बड़े बड़े बिगड़े काम सौर जाते ने। या रसूल अल्लाह होर पढ़न दा शौक है, आपने फरमाया दो हिस्से दरूद पढ़ लिया कर ते दो हिस्से दुआ कर लिया कर। अर्ज करदा आका होर ज्यादा पढ़न ते दिल करदा, आका फरमांदे ने तीन हिस्से दरूद पढ़ लिया कर,
एक हिस्सा दुआ कर लिया कर या रसूल अल्लाह होर दुरूदे पाक पढ़न ते दिल करदा है। कुछ समझ आ रही? होर दुरूदे पाक पढ़न ते दिल करदा है। आका फरमांदे ने फिर सारा दुरूद ही पढ़दा रहा कर अल्लाह बिन मंगे ही तेरिया आसा उम्मीदा पूरियां कर देवेगा। सुभान अल्लाह सुभान मौजू बड़ा तवील है। मैं एक वाकया जड़ा खास पेश करना चाहना मौके की मुनासबत दे नाल। दमिश्क दा इलाका है, दमिश्क शहर के अंदर एक शेख अब्दुल रहमान अल हुफार इस नाम के बहुत बड़े शेख गुजरे ने जिन्हों का बड़ा जिक्र है दमिश्क के अंदर। अल्लाह ने बड़िया इज्जत फरमाइया। वो अपना वाकया बयान फरमाते ने, कहते ने मैं गौर कौन सा कबरां खोदा सा, कबरां खोद के मयतां दफनानियां, ये मेरा काम सी। 40-45 साल तक ये मेरा काम रहा। कहन लगे सच्चा वाकया। कहन लगे एक जनाजा आया, मैं दफनाया, कबर खोदी, कबर दे अंदर मैं लेटिया, अल्लाहु अल्लाह, कबर दे अंदर मैं लेट के वेखिया के ठीक है कबर, कबर दे अंदर इन्ना सुकून मिलिया, ठंडी हवा, दिल ना करे बाहर निकलन ते। कदी इहो जिहा मंदर पहले नहीं वेखिया, अल्लाहु अल्लाह। दुआ करो अल्लाह दी रहमत दे नाल, अल्लाह अपने फजलो करम दे नाल साडियां कबरां नूं साडे वास्ते जन्नत दा बगीचा बना देवे। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक दिन दुनिया तो जाना है, जनाजा उठेगा, साथी दफना देंगे, कबर दे अंदर दफना के जनाजा अदा करके अपने अपने घरां नूं वापस आ जाएंगे। मेरे भाई उदों पता चलेगा मेरे तेरे पल्ले की है, जिंदगी कैसी गुजार के गए हाँ। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल जिहड़ी मोमिन दी कबर है, अल्लाह कमुल हाकिमीन उस कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना देंदे ने। कहिंदे ने बड़ा सुकून मिलिया, मैं कबर चो बाहर आया, आखरो जनाजा पढ़ा के ले आए, जनाजा मैं दफना दिता, चले गए। उस तो बाद उसे ही घर दा महीना दो महीने बाद एक होर जनाजा आ गया। उन्होंने कहा कबर तैयार करो, फिर कबर तैयार कीती, वो भी कबर तैयार कीती, कबर दे अंदर मैं लेटिया, बड़ा ही सुकून मिलिया, बड़ा ही करार मिलिया, कबर दे अंदर ठंडियां हवावां ने, बड़ा ही सुकून है। उस मैयत नूं दफनाया, दफनान तो बाद मैं घर वालियां दा पीछा कीता, जाके मैं पता कीता जिस औरत दे ओ दोवें बेटे सन यके बाद दीगरे फौत हो गए। मैं उस औरत नूं जाके पुछया तेरे नाल इन्हां दा की रिश्ता है, वो कहन लगी मेरे दोवें बेटे ये की करदे सन। सवालो जवाब शुरू हो गया, की करदे सन? कहन लगी एक मेरा बेटा कुरान दी तलीम उन्हें हासिल कीती। आखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस गुलिस्तान नूं कियामत तक आबाद रखे। कुरान दी तलीम हासिल कीती, हदीसे मुस्तफा पढ़ी, आलमे दीन मेरा बेटा एक बन गया। दूसरा बेटा वो कहन लगा काम करन दी जरूरत नहीं, तुसी दीन दी खिदमत करो, तुसी कुरान और सुन्नत दी दावत नूं आम करो, तुसी तालीम तदरीस दा सिलसिला जारी रखो, मैं कारोबार करांगा, जिन्नी कमाई होएगी अद्धी मेरी ते अद्धी तेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसे कैसे इंसान गुजर गया। तेनू कारोबार दी अटेंशन नहीं लैनी चाहिदी, आवेंदे हो ना, अज हर बंदा परेशान है। और अज मैं हैरान हो गया, यकीन करो कुछ मैं वक्त ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं करनी चाहता, ये ऐलान होने तो बाद एक फितने फसाद की तरफ लोग चले गए। अज का दिन खरीद लो जो खरीदना, फिर हर शब बंद हो जानी जे। तो लोगों ने समझा भाई भावें हूँ जान तली तो रख के,
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਸਾਰਿਉ ਇਲਾ ਮਗਫਿਰਤਿਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਕੁਮ ਵਜੰਨਾ ਅਰਜ਼ੁਹਾ ਸਮਾਵਾਤੁ ਵਲ ਅਰਜ਼ੁ ਉਇੱਦਤ ਲਿਲ ਮੁਤਤਕੀਨ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين رب العالمین وی فرماندے نے جلدی کر لو گناہاں دیاں معافیاں منگ لو جنت خرید لو سیل لائیے میرے او بندیو جلدی کر لو میرے دل وچ خیال آیا ادھر جلدی تے ہو گئی بچے وی نکل آئے جوان وی نکل آئے خواتین نے تے ماشاءاللہ صفے اول وچ نکلنا سی ہر ایک نوں فکر پی گیا اس تو بعد شاید قیامت آ جانی ہے خرید و فروخت دا ٹائم نہ ملے ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਕਿ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਊ ਇਲਾ ਮਗਫਿਰਤਿਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਕੁਮ ਵਜੰਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੰਗ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਆਓ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਕੇ ਬਾਦ ਦੀਗਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮੀ ਗੋਰ ਕੋਨੇ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲੋਗੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਏ ਨਬੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਅਤੇ ਸੂਰਹ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਹੈ ਕਾਰੀ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਬੱਦਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਏ 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 ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਲ ਦੇ ਜਾਂ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏਗੀ ਲੋਗੋ ਕਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਆਸ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਅਤੇ ਸੂਰਹ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ
अल्लाह अरशे खुदावंदी का साया भी नसीब फरमा देवे। हुण उस दिन की गर्मी तो बचन वास्ते, उस दिन की शिद्दत तो बचन वास्ते, उस दिन की खौफनाकियां तो बचन वास्ते अज असां तसल्ली नाल अपने रब के सामने इल्तजा करनी है, दुआ करनी है। और एक बात जरा नोट कर लो, इंशाल्लाह साडा रब साडियां दुआवां कबूल करेगा। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, तैयारी करो तैयारी करो, हुण दुआ दी एक ज़हन बनाओ। आका फरमांदे ने मैदान माशर दे अंदर लोग नबियां दे कोल जाणगे, एक लख ते 24,000 या कमो बेश अंबियाए किराम, सारे नबी जवाब दे देंगे, लस्तुहुनाकुम लस्तुहुनाकुम, अज मैं तुहाडी नहीं सिफारिश कर सकता, अज मैं तुहाडी नहीं सिफारिश कर सकता। लोगो इंशाल्लाह मेरी ते तुहाडी सिफारिश करने वास्ते अल्लाह करीम तिन्ना वकीलां दी ड्यूटी लगा देंगे। सुबहान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया रोज़ा आएगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सिफारिश करेगा, कहेगा मना तो हुताम बिल बिन नहार, या अल्लाह दिन दे वक्त मैं इन्हां नूं इन्हूं खाने तो रोक के रखिया, शहवात नफसानी तो रोक के रखिया, अल्लाह मैं दा सिफारशी बन के आया, इस अपने बंदे नूं जन्नत दा टिकट अनायत फरमा दे। आहिस्ता हो गए हो, हुण ते असल गल आई है, हुण ते समझण वाला मौका आया है। रब्बुल आलमीन दी रहमत दे नाल इंशाल्लाह रोज़ा साडा सिफारशी बन के आएगा, अल्लाह करीम रोज़े दी सिफारिश कबूल फरमा लैणगे। इस तों बाद अल्लाह अल्लाह कुरान भी साडा सिफारशी बन के बोलो। थोड़ी देर पहले मैं ना मंगवाया, माशाल्लाह मेरा दिल कर रहा सी अज दी इस मजलस दे अंदर ऐ अल्फाज मैं जरूर कहने ने, कुरान नाल इन्ना प्यार करिए, मुसलमानो कुरान दे नेड़े आओ, मुसलमानो कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आईया बहारां। रौनकां कादियां नजर आ रही ने, वाह सुभान अल्लाह। मुसलमानो कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आईया बहारां। अल्लाहु अल्लाह, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, नाजल जिस ते होया उस प्यारे तो सदके, नाजल जिस ते होया उस प्यारे तो सदके, ए कुरान दे नल दिलों प्यार पावे, जे कुरान दे नल दिलों प्यार पावे, ए कुरान दे विच मुनाफे हजारा। मुसलमानो कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आईया बहारा। इत्थे भी बहारा ते मैदाने माशर दे अंदर भी इंशाल्लाह कह दियो। अल्लाहु अल्लाह, जेड़े चले गए चले गए, रब्बे जुल जलाल दी कसम खा के कही ना, आज मालिक ने तुहानू खाली वापस नहीं जे मोड़ना। अल्लाहु अल्लाह, कैसा प्यारा जुमला, एदे लई ते हजरत ने तकलीफा चाइया, कुरान वास्ते, एदे लई ते हजरत ने तकलीफा चाइया, एदे लई ते मक्के च पईयां जुदाइयां, एदे लई ते मक्के च पईयां जुदाइयां, जे कुरान दे नल दिलों प्यार पावे, ए कुरान दे विच मुनाफे हजारा।
मुसलमानों कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आईया बहारा। मैं दस रहा वा इंशाला कुरान दियां बहारा। मुसलमानों तवज्जो मेरे वाल फरमाओ, इत्थे असी माशाला कुरान पढ़ने आ, तिलावतां करने आ, दिल नूं सुकून मिल जांदा है। कुरान दुनिया के अंदर भी साडे नाल, ते इंशाला जदों फौत हो जाना है कुरान कबर विच भी साडे। अल्लाह अल्लाह वेखो प्यार किड्डा। कबर विच भी कुरान साडे इंशाला नाल होएगा। जदों मैदाने माशर दे अंदर आवांगे, कुरान अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आ जाएगा। कुरान नू अल्लाह करीम बोलन दी ताकत अता फरमा देंगे। कुरान बोल के कहेगा, या अल्लाह ऐ तेरा बंदा जड़ा हिसाबो किताब वास्ते खड़ा है, अल्लाह ए बंदा सुबह शाम सफर हजर दे अंदर मेरियां तिलावतां करदा रहा, अज मैं तेरा कुरान एदा सिफारशी बन के आया। आका फरमंद ने कुरान दी सिफारिश भी मन ली जाएगी, तेरे रोजे दी सिफारिश भी मन ली जाएगी। ते नबी पाक फरमाते ने नबियां वालों सारे लोगों नू जवाब मिल जाएगा, ना हो जाएगी। जदों मेरे को आउणगे आखो सुभान अल्लाह। यार हुण ते जागो थोड़ा जिहा। आका फरमाते ने जदों मेरे को लोग आउणगे, ऐ जे साडे नबी दी शान। लोग कहिंदे ना शान नहीं बयान करदे। असी अल्लाह दे फजलो करम नाल नबी पाक नू जिहड़ा दर्जा अल्लाह करीम ने अता कर दिता, वह दर्जा ना किसे नूरी नू, ना किसे नारी नू, ना किसे नबी नू, ना किसे वली नू, ना किसे गौस नू, ना किसे कुतुब नू, ना किसे अब्दाल नू। जिन्या मर्जी इस्तिलावां लैके आओ, रब्बे काबा दी कसम खा के कहना, इमामुल अंबिया नू जिहड़ा मकाम अल्लाह ने अता कर दिता है कायनात दे अंदर, दूसरी शान हो किसे नू। अल्लाह अल्लाह। ए मौका वेखो, सारे नबियां ने ना कर दिती, ते आका फरमाते ने लोग जदों मेरे वाल आउणगे मैं हां कर देंगा। कादी हां करांगा, सारे कह दिता लस्तु हुनाकुम, अज मैं अल्लाह दी बारगाह तुहाडी सिफारिश नहीं कर सकता। आका फरमाते ने जदों लोग मेरे वाल आउणगे मैं कहांगा मैं करना वा, सुभान अल्लाह, मैं सिफारिश वास्ते जाना वा। रब्बे काबा दी कसम खा के कह रहा वा, मैनू 101 फीसद तो भी ज्यादा उम्मीद है। कारी नसीर साहब तुसी भी सुन लो, मेरे उलमाए किराम नोट कर लो, पक्का ते मजबूत अकीदा बना लो, अल्लाह दी रहमत दे नाल इमामुल अंबिया साढ़े सिफारशी बन के अल्लाह दी बारगाह च आउणगे। आका फरमांद ने जदों मैं हाँ कर देंगा, तो लोगों नूं कुछ हौसला, तो फिर पता जे मंजर की होना है। वाह सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा। रब ने करम दी छां करनी है, सोहने ने जदों हाँ करनी है, कैसा प्यारा मंजर होएगा। रब ने करम दी, अज इंशाला दुआ का टाइम बड़ा प्यारा है, तो अज यही दुआ करो कि या अल्लाह करम दियां छावां नसीब फरमा दे। रब ने करम दी छां करनी है, सोहने ने जदों हां करनी है। गल बड़ी प्यारी, बड़ी नोट करन वाली। सजदे तो सारे चुक लै सोना, आका फरमंद ने मैं सजदे पिया होवांगा, मकामे महमूद ते अल्लाह दी हमदो सना बयान कर रहा होवांगा। गल फिर उत्थे भी हमदो सना ते निबड़नी है, अल्लाह दे जिक्र दे नाल गल निबड़नी है। अल्लाह अल्लाह, मैं एवें नहीं कहिंदा चलदियां फिरदियां उठदियां बैठदियां सानू आदत बनानी चाहीदी है, बजाय फजूल गल्लां दे असी अल्लाह दा जिक्र करन वाले बन जाइए। अल्लाह अल्लाह, फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما आका फरमांद ने मैं सजदे पे आवांगा अल्लाह दा जिक्र कर रहा होवांगा गल खत्म हो गई जरा तवज्जो मेरे वाल फरमाओ सारियां थकावटां दूर हो जाणगियां सारियां परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाणगियां आका फरमांद ने मैं सजदे पे आवांगा अल्लाह दी हमदो सना बयान कर रहा होवांगा ते अल्लाह दी तरफों बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल अल्लाह करीम की फरमा रहे होणगे सजदे तो सर चुक लै सोना सजदे तो सर चुक लै मिठड़ा सजदे तो सर चुक लै सोना असा कदों तेनू ना करनी है असा कदों तेनू ना करनी है वाह सुभान अल्लाह किथे किथे मेरे लिए किथे तेरी सुना गुस्ताख किया किथे जा रही है असी वेखो कैसा मंदिर वेख रहे हैं अल्लाह की कसम इंज लगता जिवें मंदिर सामने नजर आ रहा है कैसा प्यारा मंदिर होएगा अल्लाह दे नबी अल्लाह नूं मनान वाले होणगे ते अल्लाह दी जात मनन वाले होणगे कैसा प्यारा मंदिर है सजदे तो सर चुक लै सोना सजदे तो सर चुक लै मिठड़ा असा कदों तेनू ना करनी है असा कदों तेनू ना करनी है अगली गल जरा ध्यान नाल सुन लो साढ़े नबी जदों सजदे तो सारे उठाणगे अल्लाह दी रहमत दे नाल इंशाअल्लाह पूरी दुनिया वालों नूं दावत दे रहे हैं ऐ मंदिर इंशाअल्लाह क्यामत दे दिन पेश आएगा अल्लाह नबी पाक जो सर सजदे तो उठाणगे और नबी दिया हदीसा मनन वाले हो नबी दिया हदीसा ते अपनियां जाना कुर्बान कर देन वाले हो अज नबी ने भी अपनी उम्मत दा मुल पा दिता है अल्लाह दे नबी फरमांदे मैं सजदे तो सर उठावांगा ते मैं की कहांगा अल्लाह बख्श दे उम्मत सारी मेरी सुभान अल्लाह बख्श दे उम्मत सारी मेरी अगली गल मैं तां करनी है अगली गल मैं तां करनी है वाला तेरी रहमत तो सदके ते कुर्बान जाइए इंज समझो जिवें बच्चा लाड विच आके प्यार विच आके ते अपने वालदैन अगे एक अपनी डिमांड रखता है एक मुतालबा रखता है तो कहिंदा कि ये मैं काम करवा के रहना है ये मैं मुतालबा अपना पूरा करवा के रहना है अल्लाह दे नबी की कह रहे होंगे बख्श दे उम्मत सारी मेरी बख्श दे उम्मत सारी मेरी अगली गल मैं तां करनी है अगली गल मैं तां करनी है हुण अगे मंदिर की पेश आएगा गुफ्तगू अल्लाह दी ते अल्लाह दे नबी दी नतीजा निकलेगा खुल गया जन्नत दे दरवाजे इंशाअल्लाह खुलणगे खुल गया जन्नत दे दरवाजे सोहणे ने साडी बांह फड़नी है सोहणे ने साडी बांह फड़नी है ते असा इंशाअल्लाह फिर अल्लाह दे मेहमान बन के जन्नत विच وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها السلام
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آج قرآن ایتھے سن رہے ہو سنا رہے ہو انشاءاللہ پھر جنت جا کے کلام الرحمن بزبان الرحمن رب رحمان آپ سورہ رحمان دی تلاوت سانو سنانگے. یا اللہ جڑے تیرے بندے آئے نے ساڈے عزیزم بہت ہی پیارے مخلص پائی کاری عدنان صاحب کاری نصیر احمد صاحب انہاں دوواں ویراں نے ساتھیاں نے پائیاں نے اور معاونین نے پورے خلوص نال تعاون فرمایا. اللہ تو ساڈے تو بہتر جاننا ہے. اج تو پہلے جننے بھی گناہ نے اللہ معافی دا قلم پھیر دے. یا اللہ تینوں کیڑا کسے پوچھنا ہے. اللہ سارے نو معاف کر دے. ایتھے اوکھے ہو کے بھی بیٹھے نے سوکھے ہو کے بھی بیٹھے نے لیکن یا اللہ تیرے در تو اٹھ کے نہیں گیا ہے. تیرے در دے سوالی بن کے رہ. اللہ اج جو بھی منگن عطا کر دے بھائی. اللہ دی بارگاہ چ مخلص ہو کے پہلے درود پاک پڑھنا ہے پھر انشاءاللہ دعا. ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایسا نہ ہوئے کہ تسی سہری تو ہی رہ جاؤ تو پھر تسی جا کے کہو کہ بھائی مولوی سانو لے کے بہ گئے نے. سہری ماشاء اللہ تہاڈی ایتھے ہی ہے. اللہ کریم جویں اے تہاڈی سہری دا اہتمام تے نال کاری صاحب کہہ رہے سن سہری دا اہتمام شایان شان. اے جڑا لفظ نہ لگدا بھی ماشاء اللہ والی کو کام ہوئے گا ان شاء اللہ. اللہ جس خلوص نال انہاں نے ماشاء اللہ تہاڈی سہری دا اہتمام فرمایا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سارے برخوردار بھی نے سارے بھائی بھی نے ویر بھی نے. یقین جانو انہوں دے ابو جان اللہ دے ولی سن. میں کئی دفعہ انہوں دا ذکر اپنی تقریروں کرتا رہنا کہ حرام دے قریب نہیں ساری عمر گئے. اپنے مال چو زکات بھی بڑے حساب نال کڈنی ہے تے زکات تو علاوہ انج بھی ماشاء اللہ ہر بوری وچ انہاں حصہ مقرر کیتا ہے. انہیں میں اللہ دے رستے تے کڈ دیتے. سارا سال ماشاء اللہ یہ کام چلتا رہتا سی. اللہ میرے بزرگوار حاجی عبد الغفور صاحب کھل والے اللہ انہوں کی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا. تے بھائی عدنان صاحب جڑے سیٹھ صاحب آئے سن انہاں دے والد صاحب ماشاء اللہ وہ بھی حاجی غفور صاحب سن. وہ بھی اللہ دے ولی سن نیک بندے سن. مینوں عدنان صاحب جڑے نے ادوں بالکل اجے انہوں کا نام و نشان بھی نہیں سی. اجے بالکل بالکل چھوٹا جہا گھر سی تے اس گھر دے وچ بڑیاں بڑیاں سوہنیاں ٹائلاں لیا کے لانیاں دیواراں دے نال تے چمکانا تے خوبصورت. مینوں ایک دن انہاں دے ابو کہندے نے ایس میرے بیٹے دے خیال بڑے اچے اچے نے انہاں واسطے دعا ہی کر دیا کرو کہ اللہ یہ دل دیاں ساریاں آساں امیداں پوریاں کر دے. لو میں اللہ دے گھر چ بیٹھا وا. حاجی غفور صاحب یعنی عدنان صاحب دے والد صاحب اکثر جمعے والے دن دعوت کرنی ناشتہ تو سب میرے کو کرنا ہے تو میں دعا کران واسطے ناشتہ کرا رہا تو دعا کرو اللہ میرے بیٹیاں دی ہر خواہش پوری کر دے. وہ دنیا تو چلے گئے نے. اللہ نے انہاں نوں بے حساب ہی دے دیتا ہے. یہ کون دین والا ہے تو جڑا انہاں نوں دے سکتا ہے وہ تہانوں بھی ساریاں نوں. اسی مایوس نہیں اللہ دی رحمت تو. ڈاکٹر آسم صاحب دی صحت دے بارے اور سارے میاں بشارت صاحب انہاں دے والدین دے بارے اللہ انہاں دی والدہ دی قبر نوں وی جنت دا باغیچہ بنائے. ساڈے بھائی کاشف باجوا صاحب انہاں دے والد محترم بھی بہت ماشاء اللہ نیک آدمی سن. اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنائے. اللہ آخرت دیاں ساریاں منزلاں آسان فرمائے. اج تے ناں لین دی لوڑ ہی نہیں انشاءاللہ. اج اللہ کریم دل دیاں گلاں سمجھدے نے. جدوں اساں کہہ دینے نا یا اللہ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਨ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆ